नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात करेंगे शनि देव के गोचरीय प्रभाव के बारे में। वर्ष 2022 में किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं शनि देव आपको इस पूरे वर्ष में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, शनि देव से सभी लोग डरते हैं क्योंकि शनि देव दुख देते हैं, दुख के कारक हैं, कर्म के फल देवता हैं, कर्म फल प्रदान करते हैं, न्याय के देवता हैं और धर्म के भाई हैं, छाया के पुत्र हैं। शनि देव से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि शनि देव को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि देव उन लोगों को परेशान नहीं करते हैं जो सात्विक विचारधारा के होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो व्यक्ति सतोगुण के पालन करते हैं, ऐसे लोगों को शनि देव परेशान नहीं करते हैं। यदि आपकी पत्रिका में शनि देव की स्थिति किसी प्रकार से खराब है तो ऐसे में आपको अपने जन्मांक चक्र का अवलोकन जरूर करवाना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति सतोगुणी ग्रह हैं और इसीलिए देव गुरु बृहस्पति को शनि देव सम मानते हैं। देव गुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, इसीलिए शनि देव गुरु बृहस्पति के जो भी आचार विचार हैं, ऐसे लोग जो देव गुरु बृहस्पति की तरह धर्म का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को शनि देव परेशान नहीं करते हैं। लेकिन शनि देव के दृष्टि में दोष बताया गया है। शनि देव जिन जिन भावों को प्रभावित करते हैं उन भावों से मिलने वाले सुख में भारी कमी पाई जाती है। वर्ष 2022 में शनि देव का गोचर आपके राशि से पंचम स्थान में रहेगा। यदि हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं आप, तो कन्या राशि से पंचम स्थान में शनि देव का गोचर रहेगा। शनि देव इस समय में 29 अप्रैल तक आपके मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके राशि से पंचम स्थान में रहेंगे, और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में रहेंगे। यानी 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि से निकल करके अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय में आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी है, क्योंकि शनि देव 7 जून को वक्री होंगे, जो कि 12 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में संचार करेंगे। 12 अक्टूबर को शनि देव मार्गी होंगे। शनि देव जब तक आपके पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। शनि देव का प्रभाव, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि शनि देव की दृष्टि में दोष है और शनि देव की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है वहाँ से मिलने वाले सुखों में कमी हो जाती है, तो शनि देव आपके सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको अपने बिजनेस में कोई भी बड़ी डील फाइनल करने से पहले बहुत ही सावधानी रखनी है। कोई भी बड़ी डील फाइनल करने से पहले आपको सोच विचार करना है, बड़े जनों से राय लेनी है, कार्य के विशेषज्ञों से आपको विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप कोई भी डील फाइनल करें तो आपके लिए ये लाभप्रद रहेगा। वहीं पर यदि आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपने अभी अभी फर्स्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट किया, आप जॉब छोड़ करके भी यदि आप अभी तक जॉब कर रहे थे और अब आप बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा सोच विचार करके कार्य करने की ज़रूरत है। एक बार आप अपने जन्मांक चक्र का यदि अवलोकन करवाते हैं तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि आपको किस ग्रह की महादशा और किस ग्रह की अंतरदशा मिली हुई है और कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव यदि आपके लिए गोचर में शुभ हैं अशुभ हैं, इसके अलावा यदि आपको शनि की दशा भी मिली हुई है तो वहाँ पर आपको विशेष प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। शनिदेव सप्तम स्थान को प्रभावित करने से आपके बिजनेस में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके विचार आपस में ना मिलें, आप कुछ और कहें, आपके लाइफ पार्टनर कुछ और कहें, इस प्रकार से आपके बीच में मनमुटाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हों। इसका मनमुटाव जैसी स्थितियां उत्पन्न ना होने पाएँ, इसका आपको खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं पर लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। यदि आप मेल हैं तो फीमेल हैं तो मेल का, आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लाभ स्थान को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं, शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके एकादश स्थान में रहेगी, तो आपका पैसा कहीं पर इस समय विशेष में आपको कर्ज देने और कर्ज लेने से दोनों से ही बचने की ज़रूरत है, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। कहीं आपका दिया हुआ पैसा फंस जाए, आपको वापस ना मिले, आपका आता हुआ धन रुक जाए, तो इसमें आपको खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी सैलरी रुक सकती है इस समय में, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, कुछ समय का इंतज़ार करिए। कुछ आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडीज़ होती हैं जो कि आप घर बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई परेशानी आपको हो रही है, आपका पैसा नहीं मिल रहा है, आपके बॉस आपको आपकी सैलरी समय पर नहीं दे रहे हैं, तो यदि ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ
छोटे छोटे रेमेडीज करके, छोटे छोटे उपाय करके आप अपने लाइफ को बहुत ही सरल बना सकते हैं, बहुत ही आसान बना सकते हैं। शनिदेव आपके द्वितीय स्थान को प्रभावित करेंगे, यानी इस समय विशेष में आपको सावधान रहना है, अनायास की परेशानियों से आपको बचने की ज़रूरत है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। यदि आपकी कहीं पर मीटिंग है तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बोलचाल की प्रक्रिया आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने वाणी के कारण कोई काम खराब ना कर लें, इसका आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। कुटुंब जनों के साथ कुछ विवाद उत्पन्न ना हो, स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें उत्पन्न ना हो जिसमें अनायास का धन व्यय हो, इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनिदेव मकर राशि से निकल करके 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में शनिदेव 7 जून को वक्री हो जाएंगे। इस वक्र अवस्था में आपको किस प्रकार का शनिदेव फल देंगे इससे भी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शनिदेव आपके अष्टम स्थान को प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें उत्पन्न होंगी, अपने स्वास्थ्य का खासतौर पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यात्राएं होंगी, देश विदेश से संबंधित यात्राएं होंगी, कुछ भटकाव अधिक मात्रा में रहेगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा सेट नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, आप अचानक से परेशानियों में जूझ सकते हैं, आपका मन विचलित हो सकता है, परेशान हो सकते हैं। देश विदेश से संबंधित यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राएं भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है जब तक शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कोर्ट कचहरे से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न ना हो, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसका आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। आपके कुछ गुप्त शत्रु हैं जो कि आपसे द्वेष भावना रखते हैं, आपके कुछ अपने भी हो सकते हैं जो कि आपसे द्वेष भावना रखते हैं, तो इन लोगों से आपको कैसे बचना है, आपके लिए आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग ना कर पाएं जो कि आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। शनिदेव का प्रभाव आपके तृतीय स्थान में रहेगा, शनिदेव की दसवीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी, यानी तीसरे स्थान पर रहेगी, जहाँ से भाइयों का विचार किया जाता है, आपके बल का, आपके साहस का, धैर्य का विचार किया जाता है। तो शनिदेव इसमें आपके कॉन्फिडेंट में कुछ कमी ला सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंट वीक हो सकता है, अचानक से आपका मन बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण रहेगा और जिससे आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आप अपने मन को स्ट्रांग रखिए। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो आप अपना मन स्ट्रांग रखेंगे तो आप सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इस समय विशेष में यदि आप कोई भी नया कार्य करते हैं, जैसे यात्राएं करते हैं, नई जॉब करते हैं, किसी भी नए कार्य को आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो एक बार आप अपने जन्मांक चक्र का अवलोकन ज़रूर करवाएं, जिससे आप आने वाले समय में आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहना है और किन परेशानियों से आपको बचना है इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। दर्शकों, ये रहा कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का प्रभाव किस प्रकार से होगा वर्ष 2022 में। ये बहुत ही सूक्ष्मता के साथ जानकारी थी और ये एक ग्रह की जानकारी है, यानी सिर्फ शनिदेव के बारे में हमने आपको बताया है, बाकी के 8 ग्रह हैं उनका अपना अलग प्रभाव होगा। तो इसके बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।